यूपी में होने वाले 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का वक्त आ चुका है और इस पर प्रमुख दलों में से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में अहम मुकाबला है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होने वाले इस अहम मुकाबले में सबकी नज़र उन छोटी सहयोगी पार्टियों पर है जिनके एक दो और कुछ विधायक होने की वजह से उनकी वोट अहम हो जाते हैं। दोनों ही दलों की नज़र जनसत्ता दल लोकतांत्रिक यानी जेडीएल के रुख पर टिकी हुई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जनता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख और प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया के उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। इससे अगले ही दिन यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी राजा भैया से मिलने पहुंचे थे। बाद में अखिलेश यादव ने भी मुलाकात की थी। उनके दो विधायक हैं। दोनों के वोटों की जरूरत इन दोनों ही पार्टियों को थी। वोटिंग से पहले अब राजा भैया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब राजा भैया ने साफ कह दिया है कि इस चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ ही जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा के लोग मिलने आए थे, उन्होंने वोट मांगा था, लेकिन हमारी पार्टी ने वोट बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में डालने का मन बना लिया है। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं सर, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहे? जी बिल्कुल। राज्यसभा चुनाव को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव मोड में हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी लगातार तमाम सहयोगी दलों के साथ संपर्क में और उनसे मेल मुलाकात और भेंट का दौर जारी रखे हुए हैं। वहीं राजा भैया से मुलाकात करके खुद योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए समर्थन मांगा था। दरअसल बीजेपी की ओर से 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ का नाम आगे बढ़ाया गया, उनका नामांकन कराया गया। 8वें उम्मीदवार के लिए संभावना ये बनाई गई कि विपक्षी दल यानी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों के अगर टूट का कुछ फायदा मिलेगा तो 8वां उम्मीदवार बीजेपी का जीत सकता है, यानी कहीं ना कहीं फूट से अखिलेश यादव के लिए भी भारी दबाव बनता नजर आ रहा है। खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन में जारी अंदरूनी कलह का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। वहीं आज अखिलेश यादव ने विधायकों का डिनर पर निमंत्रण दे करके उनसे उनकी राय जानने के लिए पूरा प्रोग्राम बना रखा है। राज्यसभा के लिए सपा के तीसरे उम्मीदवार की घोषणा के बाद नजर सबकी बनी हुई थी, क्योंकि उनके ही सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी थोड़ा सा नाराज बताई जा रही थी, क्योंकि उनकी नेता पल्लवी पटेल ने कई बार ये कहा था कि उनको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, यानी उनकी पार्टी की किसी नेता को, क्योंकि वो तो खुद सिराथू से विधायक हैं। और आपको बता दें कि पिछले राज्यसभा के चुनाव में आरएलडी के एक प्रत्याशी के तौर पर जयंत चौधरी खुद मैदान पर उतरे थे और उन्हें जीत हासिल हुई थी, यानी वो राज्यसभा गए थे और इसीलिए पल्लवी पटेल भी उनसे समर्थन मांग रही थी और समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव बना रही थी। लेकिन इन सब के बीच में अब बीजेपी को संभावनाएं नजर आने लगी हैं। बता दें कि पहले बीजेपी ने सिर्फ 7 उम्मीदवार उतारने का मन बनाया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के सहयोगियों की बौखलाहट के बीच में उसने 8वें उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। सपा के 3 उम्मीदवारों के नाम आने के बाद बगावत शुरू हो गई थी और बीजेपी इसी का फायदा उठाना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीद का रास्ता रोकने के लिए अब बीजेपी पूरी तरह से जूझ रही है और रास्ता रोकने की हर रणनीति बना रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि उनके विधायक अपने विवेक से वोट करेंगे और सहयोगी दलों के भी विधायक अपनी समझ से वोट करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में लोकतंत्र को बचाना है। हालांकि इस वोटिंग से भी साफ हो जाएगा इंडिया और समाजवादी पार्टी के साथ कितने दल हैं और कितने लोगों का समर्थन उन्हें राज्यसभा चुनाव में मिलता है। जैसे आरएलडी, अपना दल, कमेरावादी जैसी पार्टियों पर सबकी नजर बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।